लहसुन इसको भाई खाने में क्या ही। तो हम लोग का फाइनली सावन खत्म हो गया। अगर सावन खत्म हो गया है और 2 महीने की बेतबरी से इंतजार करने के बाद, 2 महीने के बाद हम लोग का फाइनली मटर मिल रहा है। ये है लहसुन और कुछ कुछ डला है इसमें, मिर्चा, लाल मिर्चा, पांच हरा मिर्चा, लाल मिर्चा पांच और हरा मिर्चा, फाइनली तेल डाला और तेल डालते नहीं होनी। ये जीरा, ये तेज पत्ता, ये लाल मिर्च, लाल मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है। आज देसी मटर बनेगा, वो देखिए वहाँ पर मटर है और यहाँ प्याज कट चुका है और यहाँ कढ़ाई चढ़ चुका है और ये लहसुन अपने हमारे बिहार में लहसुन फेवरेट है खाने का भाई। अगर आप एक खा कर देखिएगा तो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा। पहले ही डलाता है तेल के साथ, कुछ लोग मतलब कि बाद में भी डालते हैं, तो मतलब चिंता नहीं है। तब ये गड़गड़ा गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग के। ऐसे प्याज को ऐसे करने से प्याज अच्छी तरह से गल जाती है। और दही रख ले हम उसे नहीं सीट। तो अभी हरा मिर्चा किधर आओ, टमाटर एक और मिर्चा ले लेते हैं हरा, लाल मिर्चा नहीं चाहिए बाबू। ठीक है चलो ब्लॉक करो। नमक डालने से प्याज जल्दी सेंक जाता है। और अब इसको अभी ये नमक डालने से थोड़ा जल्दी सिंजेगा और लाल हो जाएगा ना भूरा कलर का, तो अब मिर्च डालने से अच्छा रहता है। मसाले में लहसुन, साबुत मिर्चा, पांच साबुत धनिया और 2 दालचीनी का लकड़ी और हरा मिर्चा सब डाल दो। अब तो हरे और जीरा, एक गोलमरीच पिसा हुआ है ना। हाँ। ये हम लोग का मसाला हो गया है रेडी। नहीं इसमें अभी हल्दी ऐड करना है। अच्छा हल्दी, वो हल्दी तो ऊपर से भी ना का भी है फिर टमाटर डालने से इसमें ग्राइंड करने से थोड़ा अच्छा मतलब फ्लेवर आएगा उसमें। हाँ। फ्लेवर अच्छा मिलेगा उसमें खाते समय। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा है। दे दिया है मीट वाला, हम बोल रहे थे कि मत दो, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये चुस्ता टाइप का लग रहा है आपको। ये चुस्ता है क्या चीज़ है, मटन का बकरे का अंग एक पार्ट है क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चुस्ते टाइप की जैसा लग ही रहा है, तो क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मसाले जो हम लोग ग्राइंड हो गया और प्याज को लाल हो गया है काफ़ी, और अभी मसाला डालकर इस मसाला को भूजा जा रहा है खूब अच्छे से, जब तक प्याज नहीं गल पाए। प्याज को अच्छे से गला देना, मसाला में एकदम मिक्स कर देना उसको। अगर बनाइएगा तो आप इस देसी तरीका से आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा बन रहा है मटन, देसी मटन, और ये मिक्स हो रहा है और इसको भूजना है काफ़ी, ऐसे कचू नहीं भूजना है, मसाला को काफ़ी मिक्स करके भूजना है एकदम अच्छे से, अच्छे तरीके से। और ये ऊपर से हल्दी ऐड कर दीजिए उसमें और इसको पूरा तो लगभग 2 चम्मच हल्दी हम लोग ऐड किए हैं। तो काफ़ी देर से हम लोग भूंज के एकदम मिक्स कर लिए हैं और फाइनली इसमें मटन डालने का बारी आ चुका है। तो आप मटन इतना
पूरा मिक्स करके भूनने के मसाला अच्छे तरह से, उसके बाद मटन डाल सकते हैं। तो चलिए मटन डालिए। यहाँ भाई रेड रेड मटन पड़ रहा है। और इसको पूरा अच्छे से तो दोस्तों फाइनली हम लोग का मटन यहाँ रेडी हो चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं खाने पीने और आपको टेस्ट बताएंगे इसका। तो बने रहिए। ओ अभी लाइट है ना, देख सकते हैं फाइनली हम लोग का सब चीज़ रेडी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको खाते समय। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का देसी मटन रेडी हो गया है और देख सकते हैं आप थाली में चावल थोड़ा सा ले लिए, थोड़ा सा मतलब है मीडियम साइज का, और यहाँ पर सलाद कुछ, और मटन काफ़ी सुगंध काफ़ी अच्छा आ रहा है। और खा के हम टेस्ट बताते हैं कि हम लोग से मटन कैसा बना, ठीक है। बाकी कुछ बातों को इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पर हम दूसरे जगह आए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चिल्लाते रहेंगे, ठीक है। तभी काफ़ी मस्त है। वीडियो बनाने में कुछ यार परेशानी है, यहाँ पर बराबर तरीका से नहीं बन पा रहा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं हरामी टाइप के, बात को इग्नोर करिएगा। अभी हम लोग का देखिए भाई काफ़ी मस्त है भाई। चावल हम 15 दिन के बाद खा रहे हैं, चावल छोड़ दिए थे खाना, रोटी नहीं यहाँ पर एडजस्ट हो पाया इसलिए चावल खा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बेहतर लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा नजदीक लेकर आओ, ये लहसुन, इसको भाई खाने में क्या ही लहसुन बहुत यार खतरनाक है। और ग्रेवी बहुत मस्त बना है। तो इसको इसका फुल रेसिपी आप लोग इसी में है, तो देख लीजिए कैसे कैसे बना है। अभी हमको तीखा लग गया है, इसके वजह से हिचकी आ रहा है, ठीक है। और एक शायद कलेजी है। तो हम लोग का फाइनली सावन ख़त्म हो गया है। अगर सावन ख़त्म हो गया है और 2 महीने की बेतबरी से इंतज़ार करने के बाद, 2 महीने के बाद हम लोग का फाइनली मटन मिल रहा है, देख सकते हैं यार खाने में काफ़ी आनंद आ रहा है भाई। जो लोग मटन के या चिकन के जो लवर होंगे ना भाई, उनसे इंतज़ार नहीं, आज रक्षाबंधन है और हम लोग राखी भी क्लियर कर लिए बांध के फाइनली, और सबर नहीं हो रहा था। तो फाइनली हम लोग मटन गए लाने और सोचे थे कि देसी मटन बनाएंगे घर पे ही, होटल में नहीं खाएंगे, होटल से यार बेहतर लग रहा है। बाकी आपको होटल का भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू।